नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। पाकिस्तान, जिसका जन्म ही धर्म के नाम पर कुटिलता के आधार पर हुआ, वो आज भी अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ रहा है। खाने को आटा तक नहीं, पीने को पानी नहीं, लेकिन हिंदुओं को कैसे परेशान किया जाए, कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, इसमें वो दिन रात लगा हुआ है। बॉर्डर के इस पार जब कुछ खास नहीं कर पा रहा है, तो उस पार यानी अपने ही देश में तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। दरअसल पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है और इसमें एक ही झटके में हिंदुओं के बड़े वर्ग को हिंदू समुदाय से अलग कर दिया जा रहा है। और इस बार अनुसूचित जातियों को एक अलग धर्म समुदाय का दिखाया जा रहा है और उनके लिए हिंदू से इतर विकल्प बनाया गया है, और अनुसूचित जातियों की पहचान हिंदू के रूप में नहीं की जा रही है। तो आप ही सोचिए कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान की वही घृणित मानसिकता है जिसके बल पर उसने एक अलग देश बनाया है। मसलन हिंदुओं से घृणा पाकिस्तान के डीएनए में है और वो पाक में पूरी तरह से अल्पसंख्यकों का सफाया करके पूर्ण इस्लामिक देश बनाना चाहता है और बिना खून बहाए काफिरों को खत्म करने का ये सबसे आसान तरीका है। गैर मुस्लिमों यानी काफिरों को खत्म करके इस्लामिक कानूनों के अनुसार विश्व में इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है पाकिस्तान। हिंदू सामाजिक व राजनीतिक रूप से एकजुट ना होने पाए, ना अपनी आवाज दुनिया के सामने रख पाए, इसके लिए भी हिंदुओं को तोड़ना आवश्यक है। ISI भारत में SC ST समुदाय को भड़काने व हिंदुओं से अलग करने का अपना षड्यंत्र बहुत पहले से रचता रहा है। ऐसे में उसका ये कदम भारत में रहने वाले SC ST समुदायों पर भी प्रभाव डाल सकती है। विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान में 14.6% हिंदू थे और आज ये लगभग 2% हो गया है। उसमें से भी यदि जनगणना के अनुसार SC को अलग कर दिया जाए तो ये घटकर 1% के आसपास आ जाएगा। 2017 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 45 लाख हिंदू हैं और पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को 5% आरक्षण है और संसद में 10 सीटें आरक्षित हैं। और यही बात पाकिस्तान को खटकती है क्योंकि विश्व के दबाव में पाक ये आरक्षण खत्म नहीं कर पाता, तो वो अल्पसंख्यकों को ही खत्म करने पर लगा हुआ है। एक बार विचार जरूर कीजिएगा कि जिस पाकिस्तान में आटा नहीं है, जिस पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल नहीं है, सरकारी खजाने में रुपया नहीं है, चीन को गधे बेचकर देश चला रहा है, उसके दूरदराज के इलाकों में, गांवों में इंटरनेट कितना मजबूत है कि वो डिजिटल जनगणना करा रहा है। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी यही कह रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।